हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई हॉरर मूवी विंचेस्टर के बारे में, जिसे स्पिरिक ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित थी जो सन 1906 में घर को बनवाते वक्त घटित हुई थी। अब क्या था उन घटनाओं के पीछे का राज, ये हम आगे जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं सन 1906 कैलिफोर्निया में विंचेस्टर हाउस में काम चल रहा होता है और बैकग्राउंड में हम एक लेडी को देखते हैं। ये लेडी सारा विंचेस्टर होती है जो एक विडो है और हाल ही में उसके पति और बेटी की किसी कारण मौत हुई है और उसका पति मरने के बाद 20 मिलियन डॉलर्स की जायदाद उसके लिए छोड़कर गया है। खैर, यहाँ हम देखते हैं हेनरी को, जिसे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया होता है और वो अपने सर पे बैग डालकर चलने लगता है। अब इससे पहले उसके साथ कुछ बुरा होता, उसकी माँ मैरियन वहाँ आ जाती है और वो बैग उसके सर से हटाती है। वो देखती है कि उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो ऊपर वाले कमरे की तरफ देखकर इशारा करके कहता है ही इज कमिंग फॉर अस, कि वो हमारे लिए आ रहा है। अब उसके साथ क्या हो रहा था और वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था, ये हमें बाद में पता चलेगा। दोस्तों, हेनरी मैरियन का बेटा होता है जो सारा विंचेस्टर की नीस होती है। अब चूंकि सारा की अपनी कोई औलाद नहीं होती तो वो उन्हें ही अपनी औलाद के जैसे मानती थी। अब आगे हम देखते हैं डॉक्टर एरिक प्राइस को, जो अपनी बीवी रूबी की मौत के बाद अंदर से टूट गया था और उसकी मौत का गम भुलाने के लिए वो शराब और शबाब का सहारा लेने लगा था और कभी कभी वो ड्रग्स भी लेता था। हम यहाँ उसके हाथ में एक बुलेट देखते हैं जिसपे लिखा होता है टुगेदर फॉरएवर। तभी वहाँ विंचेस्टर कंपनी का चीफ लीगल ऑफिसर आता है जो उसे सारा विंचेस्टर को एग्जामिन करने को कहता है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि सबका मानना था कि अपने पति की मौत के बाद सारा पागल हो चुकी थी और वो गन के बिजनेस पे ध्यान न देकर घर बनवाने के लिए ध्यान दे रही थी, जिससे कंपनी का भारी नुकसान हो रहा था और बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि उसे पागल करार देकर कंपनी उनके नाम हो जाए। इसीलिए वो डॉक्टर एरिक को हायर करते हैं इस काम के लिए और उसे दुगनी रकम भी ऑफर करते हैं। पहले तो वो ना करता है पर बाद में इतनी बड़ी रकम देकर वो मान जाता है और विंचेस्टर हाउस जाता है। यहाँ वो मैरियन से मिलता है जो उसे पूरा घर दिखाती है और उस घर में रहने के लिए रूल्स और एटिकेट्स बताती है। रात को एरिक जब अपने रूम में होता है तो वो ड्रग्स लेता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का आभास होता है, जैसे कोई आत्मा, पर वो सोचता है कि शायद ड्रग्स की वजह से उसे हेलुसिनेशंस आ रहे हैं तो वो इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। डिनर पे वो सारा विंचेस्टर से मिलता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और खाना खाते हैं। रात को सोते वक्त एरिक को अपनी बीवी का सपना आता है कि अचानक 12 बजे बेल बजने से उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे कम्युनिकेशन डिवाइस से गार्डन रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो बाहर छानबीन करने जाता है तो वो देखता है कि सारा विंचेस्टर एक लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही होती है। तभी सारा को आभास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो उसे ढूंढने लगती है। डॉक्टर एरिक उसे बचता हुआ एक रूम में जाकर छुप जाता है, जहाँ उसे एक अनजान लड़की का साया दिखाई देता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो आगे और छानबीन करता है और उसे गार्डन रूम मिल जाता है, पर वो लॉक होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। तभी उसकी नज़र हेनरी पे पड़ती है, जिसे फिर से किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया था, और वो ऊपर से छलांग लगा देता है, पर एरिक ठीक वक्त पे पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जो आत्मा बार बार हेनरी को पोजेस करके मारना चाहती थी, वही आत्मा सारा के पति और बेटी को भी मार चुकी है और एक एक करके उसके सारे परिवार के मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रही है। और अब हेनरी की बारी थी। अगले दिन एरिक सारा से मिलता है और उससे कुछ सवाल जवाब करता है, जिससे वो उस घर में हो रही घटनाओं का जिक्र भी करता है। यहाँ सारा उसे बताती है कि वो उसकी ड्रग्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जानती है, पर एरिक उसे डिनाई करता है। फिर वो आगे बताती है कि वो पागल नहीं है, जैसे कि सब लोग कहते हैं, और उसे रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क पता है। उसे इस घर में कुछ आत्माएं महसूस होती हैं, जो उसे कुछ अधूरा काम करवाने को कहती हैं। यहाँ दोनों में छोटी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद सारा एरिक को उसके कमरे में नजरबंद करवा देती है और कहती है कि अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रात को एरिक 12 बजे के बाद फिर से छानबीन करने जाता है और पिछली खिड़की से होता हुआ सारा के रूम तक पहुँचता है। यहाँ वो देखता है सारा आंखें बंद करके कोई ड्रॉइंग बना रही होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पजेस किया हो। तभी सब कैंडल्स एकाएक बुझ जाती हैं और एक आत्मा एरिक के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फिर एरिक सारा से मिलता है, जहाँ सारा उसे बताती है कि वो आत्मा जो उससे कांटेक्ट करते हैं वो सब विंचेस्टर राइफल से मरी थी और उसके पास उन सब लोगों का रिकॉर्ड्स है जो विंचेस्टर राइफल से मरे थे। एरिक भी बताता है कि उसे भी विंचेस्टर राइफल से गोली लगी थी और वो 3 मिनट के लिए मर गया था,
पर अचानक जिंदा हो गया और जिस बुलेट से उसे गोली लगी थी उसने वो बुलेट रिफर्बिश करके अपने पास रख ली थी। ये सुनकर सारा उसे बताती है कि मौत की चीजें बहुत पावरफुल होती हैं और आफ्टर लाइफ से वापस आया हुआ इंसान भूतों को देख सकता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई दिखाई दे रहा है। उसका इशारा किसी आत्मा की तरफ होता है पर एरिक को कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। सारा कहती है कि समय लगेगा और तुम सभी को देख पाओगे। अब एरिक के पूछने पे कि सारा दिन यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चलता रहता है तो सारा बताती है कि वो आत्माएं जो उससे कांटेक्ट करती हैं वो उससे उसी रूम का रेप्लिका बनवाती हैं जहाँ उनकी विंचेस्टर गन से मौत हुई थी। और 12 बजे बेल बजने के बाद वो सब आत्माएं आती हैं और मुझसे ड्राइंग बनवाती हैं और रात को भी मैं यही कर रही थी पर मुझे नहीं पता होता कि तब कौन सी आत्मा मुझसे बात कर रही हो। हो सकता है वो कोई इनोसेंट आत्मा हो या फिर कोई खतरनाक आत्मा। वो आत्मा ये रूम इसलिए बनवा रही हैं ताकि वो उनकी दुनिया में आ सकें और पीसफुली रह सकें। तभी उसने हर रूम के बाहर लकड़ी पे 13 कीले लगवाई हैं जिससे वो रूम बंद हो सके, क्योंकि 13 एक डिवाइन नंबर है जिसे कोई शैतानी शक्ति पार नहीं कर सकती। इसके बाद बार बार एरिक गार्डन रूम में जाने की कोशिश करता है और एक बार वो वहाँ गार्ड से भी पूछता है कि इसके अंदर कैसे जाया जाए, पर वो भी उसे अंदर जाने से मना करता है। अगले दिन हेनरी को फिर से वो आत्मा पोजेस कर लेती है और इस बार वो सारा को विंचेस्टर राइफल से मारने की कोशिश करती है, पर तभी एरिक और मेरियन वहां आ जाते हैं और सारा को बचा लेते हैं। सारा को रियलाइज होता है कि ये आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है तो वो अपने सारे स्टाफ को घर भेज देती है और खुद उसमें से आत्मा निकालने की कोशिश करने लगती है, पर एरिक हेनरी को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और विंचेस्टर कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर को कॉल करता है। तभी वो सर्वेंट वहां आ जाता है और एरिक की मदद करने को कहता है। वो उसे अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और वहीं ले जाता है जहां हेनरी सर पे बैग पहने इशारा कर रहा था। वहां वो सर्वेंट अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि दे विल डाई, कि सब मारे जाएंगे। दरअसल वो खतरनाक आत्मा जो बार बार हेनरी को पजेस कर रही थी और जिसने उसके पति और बेटी को मारा, वो यही आत्मा थी। ये देखकर एरिक डर जाता है और सारा के पास जाता है। सारा उसे बताती है कि वो उनका सर्वेंट नहीं है, दरअसल उसका नाम बेंजामिन ब्लॉक था जो एक सोल्जर था और 20 साल पहले मर चुका है और अब उसकी आत्मा उसकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। वो उनसे बदला ले रहा है अपने दो भाइयों की मौत का जो सिविल वॉर में विंचेस्टर गन से मारे गए थे, और उसी के अगले दिन अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए उसने विंचेस्टर कंपनी में घुसकर 15 बेकसूर लोगों को मार डाला था और खुद को एक डिस्प्ले रूम में बंद कर लिया था और पुलिस के आने पर वो वहीं मारा गया। और उसकी आत्मा ने सारा से कॉन्टैक्ट करके हूबहू वैसा ही रूम वहां बनवा दिया था ताकि वो उसकी दुनिया में आ सके और उसके परिवार को खत्म कर सके। और अब एरिक को सारा की बातों में विश्वास होने लगा था। तभी सारा को उस आत्मा के वहां होने का आभास होता है और वो उसे बात करके उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। तभी वहां 1906 का सबसे बड़ा भूकंप आता है जिसमें सारा और एरिक अलग अलग हो जाते हैं और सारा घर टूटने लगता है। अब वैसे तो ये सब भूकंप की वजह से हुआ था, पर फिल्म में इसे आत्मा की वजह से आने वाला भूकंप माना गया है जिससे तबाही मच जाती है और काफी लोग मारे जाते हैं। आत्मा एरिक को खींच कर ले जाती है और दूर किसी रूम में फेंक देती है। यहाँ सब दरवाजों की कीले अपने आप निकलने लगती हैं। मतलब और भी आत्माएं थी जो उनके दुनिया में आना चाहती थी। उधर दूसरी ओर पजेस्ड हेनरी कहीं भाग जाता है जिससे मैरियन ढूंढने की कोशिश करती है। इधर एरिक सारा को ढूंढता हुआ अलग अलग रूम्स में जाता है जहां उसे और भी घोस्ट दिखाई देते हैं और फाइनली वो गार्डन रूम में पहुंच जाता है। यहां वो देखता है कि वो गार्डन रूम सेम उसी के घर के जैसा बनाया होता है और यहां उसे अपनी बीवी रूबी की आत्मा भी मिलती है जिसके हाथ में विंचेस्टर गन होती है। और यहां वही वाक्या होता है जो कुछ साल पहले उनके गार्डन रूम में हुआ था जिसमें उसकी बीवी मरी थी। दरअसल हुआ ये था कि रूबी भूतों को देख और सुन सकती थी और उसने कई बार ये बात एरिक को भी बताई थी, पर एरिक ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया और उसे उसका डिल्यूजन समझकर इग्नोर कर दिया। इससे डिप्रेशन में आकर उसने एरिक को और खुद को गोली मार ली जिसमें वो तो मर गई पर एरिक 3 मिनट बाद जिंदा हो गया। इस वाक्या के बाद रूबी और बाकी के भूत जो वहां मौजूद होते हैं वो उसे सारा की मदद करने को कहते हैं, क्योंकि सारा ने उनकी मदद की थी उनके रूम बनवाकर जहां वो पीसफुली रह सकें। अब सब भूत उसकी मदद करते हैं और उसे उस रूम तक ले जाते हैं जहां बेन की आत्मा होती है। एरिक वहां पहुंचता है पर सारा पहले ही वहां मौजूद होती है। वो उसे रूम को सील करने को कहती है ताकि बेन बाहर ना भाग सके। तभी बेन हेनरी को छोड़कर सारा को पोजेस कर लेता है और एरिक को मारने की कोशिश करता है। यहाँ सारा को पता चलता है कि वो इस रूम में किसी चीज से डर रहा है। वो बुलेट होती है जिससे एरिक 3 मिनट मरने के बाद जिंदा हो गया था। एरिक को इस बात का पता चलता है और वो उसी बुलेट से बेन को मार डालता है। इधर मैरियन हेनरी को ढूंढ लेती है और बचा लेती है। अब सारे भूत अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
सब खत्म होने के बाद एरिक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि सारा दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक है और कंपनी वही चलाएगी। और सारा उसे अपनी मंशा बताती है जिसमें वो कहती है कि वो और स्पिरिट्स के लिए कमरे बनवाना चाहती है। अब लास्ट में हम दरवाजे से कुछ कीले नीचे गिरती हुए देखते हैं, जिसका मतलब वहाँ कोई और भी शक्तिशाली आत्मा थी जो उनकी दुनिया में आना चाहती थी, जिससे ये भी प्रूव होता था कि उन 13 किलो का कोई महत्व नहीं था, बल्कि भूत कहीं भी आ जा सकते थे। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।